हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार प्रमोद, और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त में आपको तस्वीरें हैं वो हरियाणा के सिरसा जिले के गांव सकर मंदोरी की दिखा रहा हूं। और चूँकि पिछले 15 दिनों से इन गाँव पर जो है संकट है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि हिसार ड्रेन है यानी कि जो नंगोई नाला है उसका पानी है वो यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के इन गाँव का डूबने को लेकर के जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। और फिलहाल जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो एक राहत भरी तस्वीर है कि सिंचाई विभाग ने, कहूँगा कि करीब 10 मोटर है वो लगा करके जो है पाइपलाइन से जो पानी है वो इस गिगोरानी माइनर में है वो डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रंगोई नाली में जो है पानी का दबाव कम हो जाए, रंगोली नाले में जो है पानी कम किया जाए, उसको लेकर के जो है ये पानी है वो गिगोरानी माइनर में डाला जा रहा है, ताकि है आगे इस पानी से जो है फसलें बर्बाद ना हो, फसलें नष्ट ना हो, और ये पानी है वो गांव में भी ना घुस पाए, क्योंकि इन दिनों जो गिगोरानी माइनर है वो बंद है और अब ये पानी है वो गिगोरानी माइनर में डाला जा रहा है। हमारे साथ गाँव के कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये कितने दिनों से चल रहा है और इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? ये सर 18 तारीख से चल रहा है जी। और अब कल थोड़ा सा 4 इंच पानी उतरिया, आज दड़ौली गांव में 5 से 10 आंगन में और हो गया जी। ये भी हमें कुछ न कुछ पानी और बढ़े, आज फिर बढ़ा है पानी। हाँ, फिर बढ़े जी। तो अब ये पानी को जो है गिगोरानी माइनर में डाल रहे हैं तो कितना कम हुआ है? कुछ न कुछ रात मिले इससे। हाँ, इसमें कमी होगा जी, फालतू तो होगा नहीं, कुछ न कुछ कमी होगा इसके अंदर। हाँ, तो ये रेगुलर जो चल रही है ये सिंचाई विभाग करवा रहा है? ये सिंचाई विभाग जी, ये मोटर है, ये तो जी मान लीजिए सिंचाई विभाग की आपकी होगी, ये ट्रैक्टर है किराए पे चारों। हाँ, इससे कुछ पानी का दबाव कुछ कम हुआ है? बिल्कुल कम हुआ जी। तो फसलें कितनी नष्ट हुई हैं? लगभग जी सुकड़ मंदोरी गाँव को मान लो सैकड़ों एकड़ एरिया जो अब थे देख के आए वो भरे पड़े जी, बहुत ज़्यादा पानी है जी। हमारी तो एक ही कोशिश है जी, प्रशासन और हमारा गांव का जगह सुकड़मदोरी का सापरी हमारा नज़दीक है जी, भी गांव ने बचाने की कोशिश है जी। मेन आई है भी गांव में अगर वो सेम नालो टूटा जी, 5-7-8 बार टूट गया जी, तो हमारी तो आई कोशिश है मैं भाई मारो गांव बच जाए कहीं जी। हमारा गाँव का स्कूल पानी में डूबेड़ा पड़े, कोई नहीं बरसात को पानी वो बाद में निकाल लिया हमें, पर गाँव डूब गए जी, फिर मैं क्या जो कौन रहा जी, फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ फसल है जी, जाके देख लियो पानी किम 4 फुट है किला में, किम 5 फुट है, लगभग मेरे जिक्र है 600-700 किला पानी भर रहे जी। फसलें नष्ट है पूरी, कॉटन की जी जीरो हो गया जी, और आगे की बिजाई की उम्मीद को नहीं जी। अगर वो सेम नालो 10 दिन और चाल गए जी तो जगह किला में पानी है, बाकी उम्मीद को नहीं भी आगे की बिजाई हो जाएगी जी। तभी इस माइनर में पानी डाल रहे हैं, इस पानी को लोग आगे क्योंकि गिगोरानी माइनर है सिंचाई कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सिंचाई योग्य पानी है, सिंचाई करना रो पानी है आगे, वो यूँ फायदों मिले मैंने काल में थोड़ी सी राहत है कि काल ये मोटर और चाल गई यूँ 1-2 इंच घटी है। हाँ जी, कम पानी कम हुआ जी, बाकी प्रशासन भी सहयोग करने ला रहे हैं बढ़िया तरीके, अच्छो प्रशासन को सहयोग है जी, बाकी गाँव का हमारे गाँव का अच्छो सहयोग है जी, युवा साथियों को बढ़िया टीम बना के। ये दिक्कत क्यों आई, इसकी सफाई नहीं हुई है? सफाई मेन बस सफाई पर मान लो जी, सफाई पीछे 2012 के अंदर जी इनमें पानी आयो जी, तो वो नॉर्मल पानी आयो तो भी इतना पता कौन लागो, अब पानी बहुत ज़्यादा पानी है जी, इन कैपेसिटी बताओ 600 क्यूसिक पानी है जी, और इनमें पानी आ रहा है करीबन 1500-1600 क्यूसिक पानी है जी, और आगे थोड़ी ऊंचाई है जी, लेवल ठीक को नहीं जी, उस मेन आई है लेवल सही को नहीं जी। क्या कहना चाहिए? कहना देख लो सामने है, मैं 10 दिन हो गए कम कम मानी अड़े लागे, दिन रात लाग रहे हैं पूरा काम को, युवा सो रहा है बहुत बढ़िया तरह लाग रहे हैं, बाकी ये पानी में रहना अच्छा 30-16 कम कम बीमार भी हो रहे हैं, जब टूटा तो इमा एकदम महान पानी है, पानी तो ठीक है जी, पानी तो पी के देखियो मैं परसों पड़े दिन टूटे जो 30 लाग गई तो पानी तो बीया को नहीं, मतलब एक तापमान एकदम हाथ जी बी वहाँ बढ़ा तो बी बताऊँ थोड़ा दिक्कत होगी थोड़ा। हाँ हाँ, एकदम टूट जाए नहीं पानी, एकदम टूट जाए जी सामने, अगर वो 1-1.5 घंटा में ना रुके नहीं तो मैं मारो गांव डूबे जी, भाई जमा बस मारी यहाँ युवा साथी हैं गांव को मारो बढ़िया सिस्टम है जी। सुकड़मदोरी क्यों सारे? हाँ, सुकड़मदोरी का जी, मैं जानवाड़ा का हूँ जी, जानवाड़ा सुकड़मदोरी और सापरिया और तरकावाड़ी, ये 4 गाँव जमा दिक्कत आ रही है, बड़ी तकड़ी दिक्कत है जी। हमारे गाँव में 2-3 बार टूट चुका है, कम से कम 500-600 किले नष्ट हो गए हैं। किसान क्या मांग कर रहे हैं कि मुआवजा तो मिलना चाहिए उनको जो फसलें? बिल्कुल जी, फसल बीमा हो रहे हैं वैसे सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए,
बीमे का तो मिलना ही मिलना चाहिए कम से कम 25-30 हज़ार रुपये किला, क्यों फसल बिल्कुल 6 महीने पकी पकाई फसल गई है ये, तो किसान का खर्चा लगना वो लग लिया, अब उसको कम से कम मिलना चाहिए 25-30 हज़ार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए, और सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए, बीमा का तो मिलना ही मिलना चाहिए और सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए किसान को। हाँ जी, आप क्या कहना? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारे बिजली बोर्ड की टीम है जो पूरा सहयोग कर रही है, हमारे पास जैसे भी कोई मैसेज आता है कि मोटरें लगानी है या कितने भी मोटरें लगानी है, लोड बढ़ाना है, तो हमारा महकमा है पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, और हमारे साथ भी गाँव वासी है जो भी है बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं हमारी भी। तो इससे पानी से कुछ राहत तो मिली है कि कुछ कम हुआ है पानी ना? मान लो कहाँ थोड़ी सी राहत मिली है जी। तो ये इस माइनर में कब से डाल रहे हैं पानी? ये लगभग 18 तारीख से जी। 18 तारीख? हाँ जी, 18 तारीख से। रेगुलर पानी से आगे सिंचाई कर रहे होंगे किसान? हाँ, किसान सिंचाई कर रहे हैं जी, आगे जो ड्राई एरिया सूखा एरिया है जी, चार वाला और गिगुरानी है, आगे तक जाती है माइनर, उसमें मान लो बिजाई हो जाएगी आगे सरसों की जी। दिक्कत आई है जी ज़्यादा से ज़्यादा, भाई आई बात कहाँ जी, थारे चैनल के माध्यम हूँ भी, किसानों थोड़ी राहत मिल जाए जी, अगर सरकार थोड़ा मुआवजा दे दे तो, मान लो इसी बात को इनके डाबरी भी आना है जी, और बहुत खर्चा जी, खेती हमारा खर्चो लाग गया जी लगभग, आप जाके देख लियो खेती भरी खेती खड़ी है ना, तो बिन चुग का नरमो अगर बिंगे माँ कुंटल नरमो है तो वो चुग भी कौन सा जी, क्योंकि इतने पानी है जी, 6-6, 7-7, 5-5 फुट पानी है जी, बुरा हालात हो गया जी, मकान भी पाट रहे, 4 ढाणियाँ हैं जमा डूब रही है जी हमारे काम की, बंग माँ इतने पानी है जी, 4 मकान अभी वहाँ ढाणियाँ हैं बे डूब चुकी है जी, बाकी खतरो है जी बहुत ज़्यादा, भाई मालिकों और थारा पर गाँव माध्यम हूँ भाई, प्रशासन तक बात हो गया जिया भी हुआ है बचास का जी, मदद करे। हाँ, प्रशासन मदद करे जी। धन्यवाद। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और चूँकि प्रशासन की ओर से जो है बड़ी बड़ी जो मोटर्स हैं वो लगा करके बड़े बड़े पंप सेट हैं वो यहाँ पर लगा दिए हैं, और उन पंप सेट के माध्यम से जो पानी है वो इस गिगुरानी माइनर में डाल रहे हैं, और हालांकि इस माइनर में पानी डालने से कुछ पानी का दबाव है वो कम हुआ है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि ये पानी है वो यहाँ पे आ रहा है फलडी, उसमें रंगोई नाले में अगर ये पानी जाता है तो भारी नुकसान है वो किसानों को हो सकता है। तो सीधे तौर पर यहाँ की जो फसलें हैं, काफ़ी 3-4 गांव हैं जिनकी फसलें हैं वो पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो रही है, और जो है सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो खास करके कॉटन की फसल है उसको भारी नुकसान है, क्योंकि फसलें हैं उनमें पानी है वो एकत्रित हो गया है जिसको लेकर के, और क्योंकि ये इलाका है वो सेम ग्रस्त इलाका है जहाँ पे जो है थोड़ी बारिश आते ही जो है हालात है वो काफ़ी जो है नाजुक हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो है लगातार हो रही बरसात और अब हिसार ड्रेन का जो पानी है इसमें छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के जो किसानों को भारी परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।